बहुत ज़्यादा सुंदर है। इतने पूरे ट्रिप में सबसे ज़्यादा अच्छी वाली जगह जो लगी यही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, एंड दैट मींस मैं जा रहा हूँ चिखलदारा। बट प्रॉब्लम ऐसे ही है कि बारिश बिल्कुल हुई नहीं है, और अगर बारिश का इंतज़ार करते बैठूँ तो मेरे को मिड जुलाई या तो फिर अगस्त तक यहीं पर रुकना पड़ेगा, जो मैं रुकने वाला हूँ नहीं। सुबह मौसम अच्छा था, कल प्लान बन गया, इसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं चिखलदारा। तो वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है, वो आपको मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना कवर कर दूँगा। फिलहाल तो अभी धूप है, मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं होती है धूप में ट्रैवल करने की, बट फिर भी जाना था चिखलदारा। और प्लस पॉइंट ऐसा है कि कार भी है, तो निकल पड़े अभी हम लोग चलते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद गर्म हवा का भपका लगता है ना, आहा हा, बहुत ही बेकार लगता है। जस्ट अभी डीजल भराने के लिए रुके। यहाँ पे जो प्राइस है वो है 96, और पेट्रोल का जो प्राइस है वो 112। देखो चिट्ठी, 50 rupees एंट्री फीस। तो यहाँ पे जो 50 rupees लिए थे वो मेंटेनेंस के लिए, एक्चुअली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है पूरा। रास्ते काफी अच्छे हो चुके हैं लेकिन नैरो है अभी भी। ये क्या है? ये लब्दो है, लेकिन उगल ले बोरो। ऑयल किया हुआ बोर गुड़ के पानी में उबालते हैं। बेर है, गुड़ के पानी में बेर नहीं उबालते, सादे पानी में बेर उबालते हैं और इतनी नमक डालते हैं उनको। मजा आता है, सब अलग टोन है यहाँ की। और MTDC का बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है जो 18 किलोमीटर है। ऊपर जाने के बाद आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो बता दूंगा कि कौन से पॉइंट्स है और कहाँ पे आप जा सकते हो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना कवर करूँगा। और मेन मतलब यहाँ पे जो रोड्स है वो नैरो होने के कारण टर्न्स पे भी लोग इतना फास्ट आते हैं ना कभी कभी, कोई कोई लोग, और खुद हटेंगे नहीं, अपने कोई साइड में हटना पड़ता है। तो मतलब क्या लॉजिक है इस बात में यार, फास्ट चलाने की है, सीधा रोड मिलता है तो चलाओ ना, लेकिन टर्न्स पे आके फास्ट चलाने में कोई मतलब नहीं है, दोनों का नुकसान हो सकता है इसमें। सो उतना ध्यान रखिएगा सिर्फ। इसको बोलते हैं पोंगा पंडित, और इसको मराठी में बोलते हैं नल्ले। आइए लब्दो खाने को। चलो यहाँ पे अगर बारिश रहती ना और बहुत ज्यादा मजा आता था। बारिश चाहिए यार। काय मराठी ते सांगितलं तरी चालतं, तारीख का जाडा की नाही। हा हा हा, अच्छा अरे ये तो लिया, किती लाए? 20। सो यहाँ के जो सेलर्स है इनसे भी अगर कुछ लेंगे तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ के लोगों के लिए भी। हम लोगों ने 70 rupees नीचे भरे थे, 70 नहीं कितनी 50 rupees नीचे भरे थे, तो सेम यहाँ पे भी अभी एंट्री फीस है कुछ, तो क्यों दो दो बार लेते मालूम नहीं। बट ये नगर परिषद चिखलदारा प्रवासी कर नाका, तो प्रति व्यक्ति 10 rupees है मूल्य, मतलब जो बच्चे आएंगे उनका 5 rupees है, वाहन का 10 rupees है, और फोर व्हीलर का 20 rupees है, और बड़े गाड़ियों का 50 rupees है। अपने यहाँ पे बड़े बाइक्स रहते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे छोटी छोटी सी बाइक है। और अभी अभी हम लोग आ चुके हैं देवी पॉइंट पे। तो जब भी हम लोग पहले पहले आते थे, मैं जब भी छोटा था तभी यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं था, ना ATV ना एक्टिविटी, ये सब कुछ भी नहीं था। बट अभी बहुत सा यहाँ पे टूरिज्म बढ़ चुका है, इसके लिए ये सब भी हो रहा है। सो यहाँ पे चिखलदारा के जितने भी पॉइंट्स है वो दिए हैं,
सबसे पहला आता है भीमकुंड पॉइंट, सेकंड है देवी पॉइंट जहाँ पे अभी हम लोग हैं, पंचबोल पॉइंट, मोजरी पॉइंट, वैराट सनसेट पॉइंट, शिव सागर पॉइंट, हरिकेन पॉइंट, गोरा घाट पॉइंट, मंकी पॉइंट, गाविलगढ़ किला, फॉरेस्ट गार्डन, रेंजर्स कॉलेज म्यूज़ियम, और ये क्या लिखा है, कुछ तो प्रकल्प म्यूज़ियम, ये क्या है ये मालूम नहीं। सो अभी तो हम लोग देवी पॉइंट पे, उसके बाद कहाँ पे जाना है ये डिसाइड करके हम लोग निकलते। ये पूरी देवी पॉइंट की इन्फॉर्मेशन है, सी लेवल से 1066 मीटर ऊंचाई पे है, 9 to 39 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहता है और वेदर के हिसाब से काय काय धबधबा आहे इथं मोठा असा हो, तर तू जेव्हा आला होता मागच्या वर्षी तर थांबला होता ना, तेव्हा खूप पाणी, हे दोघं जण पाणी भिजले होते आणि तू नव्हता भिजला, आता आज आला तू तास पाणी नाही, मेरे नसीब में ही पाणी नाही आहे अभी, जब जहाँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ पाणी वहाँ से गायब हो रहा है। ये है देवी पॉइंट, यहाँ से पानी बहता है पूरा और शायद अंदर भी थोड़ा दिख रहा है, यहाँ से पूरा पानी गिरता है। ऑफ टू द नेक्स्ट पॉइंट। बाय द वे हम लोग अभी पंचबोल पॉइंट पे है, अगर आवाज नहीं आया तो मैं चार बार चिल्ला दूं जानवे आया। जैसा मुंबई वालों के लिए और पुणे वालों के लिए लोनावाला है, वैसा यहाँ के जो आसपास गांव है जैसे अचलपुर परतवाड़ा, तो वहाँ के लोगों के लिए चिखलदारा है। तो अभी हम लोग है मोजरी पॉइंट पे और बारिश जो है वो चालू हो चुकी है और अभी अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गांव है और ये क्या व्यू है यार, बहुत सही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन में, यह है गवर्नमेंट का गार्डन है एक्चुअली, शासकीय वन उद्यान चिखलदारा, यहाँ पे 20 रुपये एक का टिकट है। चलो अगला जो पॉइंट है वो हम लोग जाने वाले रिटर्न की ओर, क्योंकि यहाँ पे अभी जितने भी पॉइंट्स हैं तो वहाँ से पहाड़ दिखेंगे और सेम ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी बीच में एक गणपति जी का मंदिर है जहाँ पे गणपति जी का पूरा अलग अलग टाइप का मूर्ति रखा है, तो वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद फिर आगे जाके विंड मिल का एक वीडियो लेना है, तो वहाँ तक अगर गाड़ी जाएगी तो वहाँ पर चले जाएंगे, निकलते अभी। ये जो आप बैनर देख रहे हैं ये एडवेंचर पार्क का है, आमजरी एडवेंचर पार्क, यहाँ पे आपको जिप लाइन करने मिलेगा, 200 मीटर का रहेगा 300 रुपये में, मंकी क्रॉलिंग रहेगा, नेट क्रॉसिंग रहेगा, पैरेलल ब्रिज, लैडर, बर्मा ब्रिज, जिप लाइन, ये सब 300 रुपये में है और कॉम्बो ऑफर ऑल एक्टिविटीज़ 500 रुपीज़। तो अगर आपको करना है तो ये भी आप कर सकते हो, magicmailghat.com करके साइट है, उस पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रबड़ी कलाकंद खाने के लिए, देखा है कलाकंद चार बार, क्या कोंडे कोंडे बर्फी है
भरपूर सारे खवायचे. म्हणजे कोणते फ्लेवर आहे की साधे आहे? फ्लेवर मध्ये आहे. कोणत्या कोणत्या आहेत? त्याच्यात रोज फ्लेवर आहे, व्हॅनिला फ्लेवर आहे, चॉकलेट, इलायची. अच्छा, आणि खाली कोणती आहे? चॉकलेट. ती चॉकलेट फ्लेवर आहे आणि अच्छा अच्छा इलायची. ये काइंड ऑफ खाऊ गली जैसे ही है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए. सो अभी हम लोग हैं गणपति संग्रहालय में और ये 50 रुपीज़ पर हेड यहाँ का टिकट है. अंदर के साइड में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहाँ का जो भी टूर है एकदम सही है, तो वो दिखा देता हूँ. सो अंदर जो है वो देख के सारा हो चुका है. अंदर एक्चुअली 3000 गणपति की मूर्ति है और 1 इंच से लेके 6 फीट तक की यहाँ पे मूर्ति है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इन्होंने मेंटेन किया है. मेन मतलब इंडिया के हर स्टेट में जितने भी टाइप के या फिर जिन लोगों ने वो मूर्तियाँ बनाई है, तो इन लोगों ने वो यहाँ पे वो रखी है प्रॉपरली. एंड ऑल्सो बाहर के देश में, मतलब इंडोनेशिया, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, ऐसे कंट्रीज़ में भी जो गणपति की मूर्ति है वो यहाँ पे रखी है. इन सब में से एक मूर्ति ऐसी थी जहाँ जिसमें 26,000 पेंसिल यूज़ किए गए हैं. सिर्फ अराउंड 4 से 5 फीट की मूर्ति रहेगी. बहुत ज़्यादा सुंदर है. इतने पूरे ट्रिप में सबसे ज़्यादा अच्छी वाली जगह जो लगी यही है. अगर आप यहाँ पर विज़िट कर रहे हो चिखलदारा साइड, अमरावती साइड, तो ज़रूर यहाँ पर आना, बहुत अच्छा लगेगा आपको. अभी क्रिएटिविटी लेवल दिखाता हूँ आपको. ये है पेड़ और ये देखो गणपति बाप्पा मोरया. मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर इतना अच्छा है तो अंदर कितना अच्छा रहेगा. सो अपनी चिखलदारा की ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है. जो गणपति का म्यूजियम देखा था वो तो एक नंबर था, मतलब पूरे ट्रिप में सबसे बेस्ट वो. और जो विंड मिल के पास गए थे हम लोग वो एक सही था. सिर्फ अभी एक कांच का ब्रिज बन रहा है, तो होपफुली वो भी अगर जल्दी हो गया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तभी वो स्पेशली देखने जाएंगे उधर. अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो जून से सितंबर महीना अच्छा है यहाँ पे विज़िट करने के लिए, लेकिन इस बार जून में बारिश हुई नहीं है. और अगर अगस्त में आता है तो बेस्ट है एकदम. अभी मैं बारिश का इंतज़ार करते तो यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ, इसके लिए फिर आज जाके आया. 2-3 दिन में मैं मेरे घर जाने के लिए निकलूँगा. और ये जो उड़ रहे हैं ये पैरट्स है सारे, ये पेड़ पे पैरट्स है. सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूँ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग.